कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्वेंटी थर्ड मई का करंट अफेयर जिसमें कि हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे पहला है 1951 में चाइना ने एन किया था ऑटोनोमस रीजन तिब्बत का दूसरा पॉइंट है 1984 में बसंदरी पाल जो है पहली इंडियन बनी थी जो, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी नेक्स्ट पॉइंट है उन्नीस में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, जावा जो है फॉर्मली लॉन्च किया गया था सन के द्वारा 2001 में पाकिस्तान ने रिफ्यूज किया था टू गिव इंडिया द स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन मोस्ट फेवर्ड नेशन देन पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं दिया था नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया 2008 में जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया था सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी सेकेंड अब स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर पहला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च न्यू पोर्टल टू टेक स्कीम टू डोर स्टेप ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक नया पोर्टल जो कि क्या करेगा टेक करेगा स्कीम्स को डोर स्टेप तक महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एक नाथ सिंधे ने लॉन्च किया था ये ठीक है जिसमें कि शासन अपल्ला देरी मीन्स गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप इनिशिएटिव जिसका एम है प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एट वन प्लेस एक जगह पे जो है गवर्नमेंट जो भी स्कीम लागू कर रही है उसको एक प्लेस पे लाने का है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इनोगेटेड वुमेन्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट इन कठमांडू व्हाट वाज हिज नेम प्राइम मिनिस्टर जो नेपाल के हैं उन्होंने वुमेन्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट कठमांडू में स्टार्ट किया है उनका नाम क्या था पुष्कर पुष्पकमल दहल और इनको प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है प्राइम मिनिस्टर नेपाल के पुष्प कमल दहल जो थे प्रचंड उन्होंने इनोग्रेट किया सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन वुमेन वॉलीबॉल कप कठमांडू में टोटल ऑफ़ एट कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी जिसमें कि इंडिया बांग्लादेश मालदीव श्रीलंका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकस्तान है इंक्लूडिंग होस्ट नेपाल ऑल्सो जिसमें कि नेपाल भी पार्टिसिपेट करता है नेपाल रहेगा ही और टोटल आठ कंट्रीज़ है नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश यूएस ज्वाइंट लेवल नेवल एक्सरसाइज नॉर्थ लेवल नेवल एक्सरसाइज बिगेन इन द चगोतोग्राम वॉट वॉज द एक्सरसाइज नेम एक्सरसाइज का क्या नाम है जो बांग्लादेश में होगा ये है टाइगर शार्क फोर्टी ऑप्शन नंबर सी टाइगर शार्क फोर्टी जो है बांग्लादेश और यूएस एस जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है जो कि स्टार्ट होगा नेवल नेवल एक्सरसाइज है जो कि स्टार्ट होगा चितोग्राम बांग्लादेश के चितोग्राम में ऑब्जेक्टिव है इस एक्सरसाइज का इंक्रीज करना स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी ऑफ बोथ कंट्रीज एंड टू एक्वायर द म्यूचुअल टेक्निकल एंड प्रोसीजर नॉलेज चित्तोग्राम नेवल एरिया जो है कमांडर रियर एडमिरल अब्दुल्ला ए एल माउम चौधरी अटेंड द इवेंट एट द चीफ गेस्ट जिसमें कि जिसमें कि जो नेवल कमांडर हैं उन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पे पार्टिसिपेट किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड अन अपोज एज प्रेसिडेंट ऑफ स्क्योरिटी कमिटी ऑफ इंडियन टाइकांडो इंडियन टाइकांडो को का किसको जो है अनापूज सेलेक्ट किया गया है यह है श्रीगौनकर श्री, गाँकर, श्री गाँकर को किया गया है नामदेव श्री जो है इनको किया गया है ऑप्शन नंबर बी इनको इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ एक्सक्यूरिटी कमेटी ऑफ इंडियन टाइकॉन्डो जो कि होल्ड करेंगे ब्लैक बेल्ट इन जो कि होल्ड करते हैं ब्लैक बेल्ट टाइकोंडो में इंडिया विल बी फर्दर इन द अपकमिंग सीनियर वर्ल्ड टाइकॉन्डो चैंपियनशिप इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टू बी हेल्ड इन बाकू जो कि बाकू में वर्ल्ड टाइकांडो चैंपियनशिप होगा उसमें इंडिया जो है पार्टिसिपेट करने वाला है बाकू जो है अजरबैजान की कैपिटल है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो टू लॉन्च a न्यू नेविगेशन सेटेलाइट what was इट्स नेम इसरो ने एक नया नेविगेशन सेटेलाइट लॉन्च किया है इसका नाम क्या है एन वी एस जीरो वन एन वी एस जीरो वन ऑप्शन नंबर ए जो है सही है इसरो ने लॉन्च किया है एक नया नेविगेशन सेटेलाइट जिसका नाम है एन वी एस जीरो वन एन वी एस जीरो वन इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड जनरेशन सेटेलाइट इनवेस्ट फॉर अविक कॉन्स्टिलेशन डेट विल बी लॉन्च बाई इसरोट द एंड ऑफ मे जो कि मे के एंड में लॉन्च किया जाएगा एंड इट विल ऑल्सो डिस्प्ले इन द जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट द सिस्टम जो है इसमें का डेवलप लुकिंग एट द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द सिविल एवियशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आर आर मूवी एक्टर राय एक्टर रे सैतवन डाई एट विच एज आर आर मूवी एक्टर जो रेत सेतवैनसन है उन वो कितने साल की उम्र में उनका निधन हो गया फिफ्टी एट ईयर्स के उम्र में उनका निधन हो गया जो कि विलेन का रोल किए थे आर आर मूवी में नेक्स्ट है इंडियन डेलीगेट्स अटेंड लीमा ट्वेंटी थ्री इन विच कंट्री इंडियन डेलीगेट्स जो है लीमा ट्वेंटी थ्री अटेंड करेंगे किस देश में अटेंड करेगी ये जो है इंडिया मलेशिया में अटेंड करेंगे इसमें इंडियन डेलीगेट जो है लीड किया जाएगा एडिशनल सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा जिसमें कि सर टी नटराजन अटेंड करेंगे और ये जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में एंड हेल्ड बाय एनुअली लीमा इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मेरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन इन एशिया पैसिफिक लीमा जो है वन ऑफ़ द लार्जेस्ट मेरी टाइम एरो स्पेस एग्जीबिशन है एशिया पैसिफिक में नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूज द सब्सिडी प्रोवाइडर अंडर द फेम सेकेंड स्कीम एप्लीकेबल ऑन विच टाइप ऑफ व्हीकल तो ये जो है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल्स पे जो है गवर्नमेंट रिड्यूस कर रही है सब्सिडी को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो है उन पे सब्सिडी को जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है जून से रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्पोर्ट समीर वर्मा विन गोल्ड वाइल्ड रोहन कपूर एंड सिक्की रेड्डी बैक सिल्वर किस भी स्पोर्ट में जो है समीर वर्मा और रोहन कपूर ने सम, समीर वर्मा ने गोल्ड जीता है और रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी ने सिल्वर जीता है तो ये है शटल में ठीक है तो शटल जो है बैडमिंटन में होता है बैडमिंटन में इन्होंने समीर वर्मा ने गोल्ड जीता है रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी ने सिल्वर जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मन नेशनल चैंपियन एंड खेलो इंडिया यूथ गेम विनर दर्शना राठौर क्वालिफाइड टू लाई ऑन विच पोजीशन एट आईएसएस एस वर्ल्ड कप तो ये कौन से पोजीशन पे आए हैं तो ये जो है आए हैं कौन से पोजीशन पे थर्ड पोजीशन पे आए हैं नेशनल चैंपियन और खेलो इंडिया यूथ गेम के विनर दर्शन राठौर जो है क्वालिफाई किए हैं थर्ड पोजीशन पे आईएसएस एफ शूटिंग वर्ल्ड कप में दर्शन वॉज द बेस्ट इंडियन ऑन द शो ऑफ टीम मेट गैनमेटा सेकॉन शॉट सिक्सटी नाइन टू बी प्लेस्ड नाइन्थ एमॉन्ग द कंटेंडर एंड महेश्वरी चौहान वॉज लाइंग फर्दर बैक हैविंग शॉट सिक्सटी सेवन टोटल सिक्सटी सेवन महेश्वरी ने और दर्शन ने सिक्सटी नाइन पॉइंट्स बनाए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओरिजिन मैन बिकम्स फर्स्ट टर्बन वियरिंग लॉर्ड मेयर ऑफ़ यू के सिटी व्हाट वॉज हिज नेम तो इनका नाम क्या है जो कि ये पहले इंडियन मैन है टर्बन वियरिंग मैन इनका नाम है लॉर्ड लॉर्ड मेयर बने हैं यूके सिटी के तो ये इनका नाम क्या है तो जसवंत सिंह बिरडी जसवंत सिंह बिरडी जो है बने हैं पहले इंडियन ओरिजिन जो कि यू के सिटी के लॉर्ड मेयर बने हैं पंजाब के ये इनका जन्म हुआ है पंजाब में जसवंत सिंह बिडी का एंड हैज़ बिकम अ यूकेस कंट्री सिटी फर्स्ट टर्बन वेयरिंग लॉर्ड मेयर नेक्स्ट क्वेश्चन है एम साइनिंग फॉर एम मित्र पार्क धार ऑन ट्वेंटी फर्स्ट में टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बिच स्टेट तो ये किस दो स्टेट के बीच में जो है साइन किया गया है बिटवीन गवर्नमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश के, के बीच में जो है एम साइन किया गया है पीएम मित्र पार्क प्रपोजल जो है सेटअप किया गया था पीएम मित्र पार्क का इन विलेज बेनसोला बेंडवार तहसील धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में रिसीव किया फॉर्मल अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 2023 मार्च 2023 में जो है इसको फॉर्मली अप्रूवल मिल चुका था नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखेंगे विच मिनिस्ट्री कॉल फर्स्ट मीट एम्ड एट यूनिफाइंग सिक्सटी स्कूल बोर्ड्स कौन सी मिनिस्ट्री जो है कॉल कॉलअप की है मीटिंग करने के लिए सिक्सटी स्कूल बोर्ड्स को मिलाने के लिए यूनिफाई करने के लिए तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही रहेगी ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है फर्स्ट मिट एंड एट यूनिफाइंग सिक्सटी स्कूल बोर्ड्स जिसमें कि साठ स्कूल बोर्ड्स को जो है इसमें मर्ज करने का प्रस्ताव रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड टटल डे सेलिब्रेट ऑन विच डे वर्ल्ड टटल डे जो है किस दिन मनाया जाता है तो वर्ल्ड टटल डे जो है तेईस मई को, जाता 23 को मनाया जाता है ट्वेंटी थर्ड मे को जो है वर्ल्ड टटल डे मनाया जाता है इट इज एब्जर्व एनुअली ऑन ट्वेंटी थर्ड मे टू स्प्रेड द अवेयरनेस रिगार्डिंग द प्रोटेक्टिंग टर्टल्स एंड टोटोइज एंड ऑल्सो दे आर डिसपियरिंग हैबिटेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इनको बचाने के लिए जो है तेईस मई को मनाया जाता है और डे प्रोमिस किया गया है बेटर फ्यूचर वेयर द ह्यूमन एंड टर्टल कैन को एग्जिस्ट पीसफुली इट बिगेन इन टू थाउजेंड दो हज़ार बीस को स्टार्ट किया गया था जिसको कि स्पॉन्सर किया गया था अमेरिकन टोटोइज रेस्क्यू के द्वारा अमेरिकन टोटोइज रेस्क्यू के द्वारा जो है इसको स्पॉन्सर किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज कंपनी और बैंक हैज़ लॉन्च एंड एडवांस बॉन्ड प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल इन्वेस्टर इन इंडिया तो ये है पेटीएम बैंक पेटीएम बैंक जो है वो क्या कर रही है लॉन्च की है एडवांस बॉन्ड प्लेटफॉर्म रिटेल इन्वेस्टर के लिए इंडिया में पे टी एम मनी हैज़ लॉन्च एंड एडवांस बॉन्ड प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल इन्वेस्टर इन इंडिया ऑन ट्वेंटी सेकेंड में टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री प्लेटफॉर्म जो है अलाउ करेगा रिटेल इन्वेस्टर को कि वो बाई कर सकते हैं थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड को एक गवर्नमेंट बॉन्ड होगा कॉर्पोरेट बॉन्ड और तीसरा जो है टैक्स फ्री बॉन्ड रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड जो है हैव अ मैच्योरिटी रीजन फ्रॉम सिक्सटीन डेज टू थर्टी नाइन ईयर्स तक सोलह से लेके सोलह दिन से लेकर उनचालीस साल तक जो है गवर्नमेंट बॉन्ड का मेच्योरिटी पीरियड रहता है येल्डिंग दिस बॉन्ड इज करेंटली बिटवीन सेवन टू सेवन पॉइंट थ्री परसेंट पर एन इसका जो परसेंटेज है सेवन से लेकर सेवन पॉइंट थ्री परसेंट तक पर एन रहता है नेक्स्ट है विच स्पोर्ट्स पर्सन बिकम द वर्ल्ड नंबर वन इन द मेन्स जेवलिंग थ्रो रैंकिंग इश्यूड बाई द वर्ल्ड एथलीट्स तो ये है नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा जो है स्पोर्ट पर्सन बने हैं स्पोर्ट्स पर्सन जो कि मेन्स जेवलिंग थ्रो रैंकिंग में इन, इनको जो है नंबर वन आए हैं नीरज चोपड़ा हैज़ बिकम वर्ल्ड नंबर वन इन मेन जेवलिंग थ्रो रैंकिंग इश्यूड बाय द वर्ल्ड एथलिक्स जो कि वर्ल्ड एथलिक्स द्वारा जारी किया जाता है उसमें नीरज चोपड़ा को नंबर वन रैंकिंग मिला है एंड ही टॉप द चार्ट विथ फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी फाइव पॉइंट्स एंड ट्वेंटी टू अहेड ऑफ रेजिंग वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर फ्रॉम ग्रेनेडा जो एंडरसन पीटर्स पीटर्स है ग्रेनेडा के उनसे बाईस पॉइंट ये आगे चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है जे एस डब्ल्यू स्टील टू एक्वायर नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्री फॉर हाउ मेनी करोड़ जे एस डब्ल्यू स्टील जो है एक्वायर कर रही है नेशनल स्टील और एग्रो इंडस्ट्री को कितने करोड़ में सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी वन करोड़ में छः सौ इक्कीस करोड़ में जो है ये एक्वायर करेगी जे एस डब्ल्यू स्टील सब्सिड्री जे एस डब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्शन एक्वायर नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज फॉर टोटल कंसल्ट्रेशन ऑफ सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी वन करोड़ इट वॉज साइंड ऑन ट्वेंटी सेकंड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एक्विजीशन जो है अप्रूव किया गया था विद रिस्पेक्ट टू द कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशवाणी न्यूज लॉन्च न्यूज बुलेटिन इन विच डायलेक्ट फॉर ट्राइबल कम्युनिटी इन छत्तीसगढ़ ये आकाशवाणी न्यूज जो है अब किस डायलेक्ट में छत्तीसगढ़ के किस डायलेक्ट में स्टार्ट किया जाएगा तो ये किया जाएगा गोंडी लैंग्वेज में ऑप्शन नंबर बी आकाशवाणी जो है नया न्यूज अब अपना बुलेटिन जो है गोंडी में ही गोंडी लैंग्वेज में जो है अपना प्रसार करेगा आकाशवाणी न्यूज़ हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड वीकली न्यूज बुलेटिन इन हल्बी ऑल्सो हल्वी लैंग्वेज में भी न्यूज बुलेटिन जो है आकाशवाणी स्टार्ट कर दिया है वीकली न्यूज बुलेटिन इन गोंडी विल बी ब्रॉडकास्ट एवरी संडे हर एक संडे को जो है वीकली ये रहेगा गोंडी लैंग्वेज में हर एक संडे को सिक्स थर्टी पी एम में ये आएगा यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जो है इस चीज़ को इनोग्रेट किए गए थे जो कि हल्बी न्यूज़ था उसको इनोग्रेट करने वाले कौन थे अमित शाह थे जो कि 25 मार्च 2023 को ही इनोग्रेट किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी सेकेंड अरब लीग समिट रिसेंटली कंप्लीट किया गया है जेधा में सऊदी अरेबिया के विदोप्टेशन ऑफ जेदा डिक्लेरेशन जेद्धाशन के एडोप्टन से थर्टी सेकेंड अरब लीग सम्मिट जो है कंप्लीट किया गया है जेद्धा साउदी अरेबिया में यह डिक्लेरेशन जो है फोकस करेगा ऑन फोस्टरिंग अरब यूनिटी एंड एड्रेसिंग वेरियस रीजनल चैलेंजेस नेक्स्ट हुन अपॉइंटेड एज अ न्यू मास्टर जनरल ऑफ इंडियन आर्मी तो किनको जो है अपॉइंट किया गया है नया मास्टर जनरल सब्सटेंस ऑफ इंडियन आर्मी तो ये किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला को अमरदीप सिंह औजला को जो है अपॉइंट किया गया है एक नया न्यू मास्टर जनरल सब्सटेंस ऑफ इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मास्टर जनरल सब्सटेंस ऑफ द इंडियन आर्मी एंड एमएसजी जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग हाई स्टेट रीडिनेस

एन जयप्रकाश जो है उनको इलेक्ट रीइलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज डिजिग्नेटेड द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव एज स्पेशल टूरिज्म डे टू सपोर्ट द रिकवरी ऑफ कंट्री टूरिज्म इंडस्ट्री तो ये कौन सा कंट्री है तो ये है नेपाल नेपाल जो है स्पेशल टूरिज्म सपोर्ट के लिए दो हजार पच्चीस में अपना कर रहा है नेपाल जो है डिजिग्नेट किया है ईयर 2025 को एज अ स्पेशल टूरिज्म डे नेक्स्ट क्वेश्चन है असम चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया है विदड्रॉ करेंगे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो कि असफा है कम्प्लीटली दो के एंड तक व्हाट इज द नेम ऑफ असम चीफ मिनिस्टर तो असम के चीफ मिनिस्टर कौन है हेमंत विश्व शर्मा हेमंत विश्व शर्मा जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो असफा एक्ट जो है उसको कम्प्लीटली दो के एंड तक खत्म कर देंगे द स्टेट वॉज डिक्लेयर डिस्टर्ब एरिया अंडर द आपा ड्यूरिंग द री डूरिंग द इंटरवेनिंग नाइट ऑफ नवंबर ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी एट नाइनटीन नाइन्टी एंड दिस वॉज एक्सटेंडेड एवरी सिक्स मंथ सिंस देन तभी से उन्नीस सौ नब्बे से ही जो है अभी तक इसको बढ़ाते आया जा रहा है छः छः महीने पर जो है इसपा एक्ट असम में लगते रहा है क्योंकि इसको डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया जाता है आपा एक्ट के तहत नेक्स्ट जो है कुछ फैक्ट्स हैं देख लेते हैं स्पेस एक्स जो है एक्शन मिशन टू लॉन्च कर रहा है फर्स्ट एक्शन मिशन के तहत पहली वुमेन जो है स्पेस में भेजेगा स्पेस एक्स जो है बाईस में दो हजार दो हजार तेईस को लॉन्च करेगा सऊदी एस्ट्रोनॉट को इंक्लूडिंग द नेशन फर्स्ट वुमेन टू स्पेस स्टेशन नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है ये इसको स्पॉन्सर कर रहा है सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट जो है इसको, इसको स्पॉन्सर कर, कर रही है एंड रियाना बरनावी स्टेम सेल रिसर्चर बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द किंगडम टू गो टू स्पेस पहली स्पेस में जाने वाली एक स्टेम सेल रिसर्चर हैं जिनका नाम है रियाना बरवानी ये पहली वुमेन है जो कि जाएंगी स्पेस में सी वॉज जॉइंट बाई अली अल करानी अ फाइटर पायलट विद द रॉयल सऊदी एयरफोर्स रॉयल सऊदी एयरफोर्स जो है उसमें उन्होंने एक फ़ाइटर के तौर पे ज्वाइन किया था अली अल करानी के द्वारा ज्वाइन करवाया गई थी इनको जो है ज्वाइन कराया था अली अल करानी ने एज अ फाइटर पायलट नेक्स्ट है जिम्बाब्वे से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स द तो जिम्बाम्बे जो है इसको लैंड कंट्री बोला जाता है लैंड जो है कंट्री है और ये साउथ अमेरिका में लाई करता है और ये जो है इंडिपेंडेंस इसको मिला था ब्रिटेन से 1980 में एंड बिकम द रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे के कैपिटल जो है हरारे है और इसके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है इम, इमरसन मनंगावा है और जो यहाँ का करेंसी है वो डॉलर है जिम्बाबियन डॉलर जो है करेंसी चलती है रॉबर्ट मुगाबे जो है यहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर बने एंड लेटर इट्स प्रेसिडेंट रूल फॉर नियरली अ डिकेड फ्रॉम नाइनटीन अनटिल हीज रिजिग्नेशन इन टू थाउजेंड सेवन और रॉबर्ट मुगाम्बे जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने और ये एक डिगेट तक पूरे ये रहे उन्नीस सौ अस्सी से लेकर दो हज़ार सत्रह तक रहे और दो हज़ार सत्रह में इन्होंने खुद अपना रिजिग्नेशन दिया थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू